गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे हैव के बारे में। हैव को हिंदी बोलते हैं पास, ठीक है। ये मोडल्स के अंदर में आता है, ठीक है। बहुत इजी है ना। हम लोग तीन टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? यस सर। फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में ना ही क्वेश्चन मार्क रहता है और ना ही उस सेंटेंस के अंदर में नोट रहता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। यस सर। फिर है नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम लोग नॉट लगाते हैं, मतलब हिंदी में नहीं लगाते हैं, वैसे सेंटेंस को बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यस सर। फिर है इंटरोगेटिव सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, इसका मतलब जिसमें क्वेश्चन रहता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्न रहता है, वैसे क्वेश्चन को बोलते हैं, वैसे सेंटेंस को बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यस सर। चलिए तो फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास कार है। मेरे पास कार है, तो सबसे पहले हम लोग को लगाना है सब्जेक्ट, आई हैव अ कार। क्या हो गया? आई हैव अ कार। अब हम लोग को बनाना है इसका नेगेटिव। क्या बनाना है? तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग को याद रखना है कि नेगेटिव लगाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग को नोट लगाना है। नोट लगाना है कहाँ? हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहाँ लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैव है। तो हैव के बाद क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। तो इसका आई हैव, मेरे पास कार नहीं है, क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट अ कार, ठीक है। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस दिख रहा है उसको अगर हम लोग को क्वेश्चन में चेंज करना रहे, जैसे मेरे पास कार है तो क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या मेरे पास कार है, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? जब भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते याद रखना है कि हम लोग को हेल्पिंग वर्ब को, है ना, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लिख देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना बस। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव है। तो हैव को क्या कर देना है? पहले लिख देना है और लास्ट में क्या लगा देना है? बस इतना ही करना है। तो हो जाएगा इंग्लिश क्या? हैव आई कार, हैव आई अ कार, मतलब क्या मेरे पास ये कार है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट